चलो जी, आपके बाजू में खड़े रहकर ना मुझे कुछ ऐसी सी फीलिंग हो रही है, मतलब इतना एक छोटा सा बच्चा लग रहा हूँ मैं आपके सामने। कैसा लगता है आपको, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट मैन? नो, नॉट वर्ल्ड्स टॉलेस्ट मैन, आई एम टॉलेस्ट मैन इन इंडिया। हाइट इज 7'3", एक्चुअली 2.18 सेंटीमीटर्स, 218 सेंटीमीटर्स, एंड माय वाइफ शी इज संजोत, शी इज 191 सेंटीमीटर्स, सो वी आर टॉलेस्ट कपल इन द वर्ल्ड। यानी कि 6'4" 6'4" और कंबाइंड रिकॉर्ड इन गिनीज बुक इज 4.09 मीटर्स। संजोत जी, आपसे पूछना चाहूँगा, वैसे अगर मर्द लंबा हो तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर लड़की लंबी हो तो बहुत प्रॉब्लम होती है। हाँ, मुझे प्रॉब्लम हुई थी, है ना? हाँ, लेकिन मतलब कहते हैं ना, हाँ, भगवान ने जोड़ी बनाई होती है। तो आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज है टोटल। जब लड़कियाँ देख रहे थे मेरे पिताजी और मेरी माँ जी मेरे लिए, तो हमारे पास मेरे लिए बहुत रिश्ते आए थे, लेकिन सब बोलते थे हमारी बेटी बहुत लंबी है, बेटियाँ आती थी 5'6", 5'7". मेरे माता पिता उनको बोलते थे कि भाई हमारा बेटा 7'2" है, कोई वापस कोई नहीं आता था। तो मेरे एक दोस्त की शादी में इसकी दादी ने मुझे देखा, मेरे दोस्त को पूछा ये लड़का मार्केट में है क्या, अवेलेबल है मतलब। मेरे दोस्त ने बोला हाँ मार्केट में है इसको, लेकिन लड़की लंबी चाहिए। तो दादी जी ने बोला कि मेरी एक है रिलेटिव, वो 6'3" है, 6'1" है। दोस्त ने बोला मुझे देखना है क्या, क्या देखती है, हो ही नहीं सकता। हाँ, देखने में क्या हर्ज है, ठीक है देख लेंगे। 25 दिसंबर को 1988 को हमने इसको देखा, मैंने इनकी वो इनके चेहरे की तरफ देखा भी नहीं, जैसे ही वो रूम में आई देखने में, जिस जे जो साइड पे ट्रे पकड़ा था इतना ही देखा मैंने, बस यही लड़की। कपड़े वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती कभी कभी? कभी कभी मुझे सबसे जलन होती है। आप रेडीमेड में कुछ भी पहन सकते हो, हम लोग नहीं पहन सकते, मैं जीन्स नहीं पहन सकता। अच्छा, मैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताइए अपनी लंबाई की वजह से। ऐसा है कि जब हम रास्ते पे चलते हैं तो रास्ते का हर एक आदमी हमारी तरफ देखता है, ऐसा लगता है कि जैसे किंग वॉकिंग ऑन द रोड। डिसएडवांटेजेस ऐसे है कि बस में नहीं जा सकते, रिक्शा में नहीं ट्रैवल कर सकते, लोकल ट्रेन में नहीं जा सकते, टैक्सी में दोनों एक साथ बैठ नहीं सकते, जूते नहीं मिलते मेरे साइज़ के, इसके साइज़ के, तो हमें लंदन से मंगवाना पड़ता है जूते। फॉर्चुनेटली मेरे अंकल वहाँ पे रहते हैं तो मुझे भेजते हैं,